It exclusively presents Indian Paranormal Podcast अर्श और राहुल के साथ। अर्श तो हमारे भारतीय समाज में बहुत सारे सिद्ध पुरुष रहे हैं और जिनके पास अलग अलग सिद्धियां हैं जी, तो इससे वो अलग अलग काम कर सकते हैं। हाल ही में एक बाबा हैं बागेश्वर धाम बाबा, ब्रिटिश, और आपने भी उनका नाम सुना होगा जी। अब वो लोगों का भविष्य वगैरह बता दे, तो मैं इस न्यूज को देख रहा था, इस स्टोरी को देख रहा था, तो मैंने कहीं कहीं ऐसा पढ़ा कि बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर एक एंटिटी होती है जिसको कंड पिशाचनी बोला जाता है, और वो ऐसी एंटिटी होती है जो कि किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों बता सकते, और ऐसी किसी पिशाचनी का हाथ है उनके ऊपर जिसकी वजह से जो है वो इस तरीके की चीजें कर पाते हैं। मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा, पता नहीं ये लगा कि ये जो कर्ण पिशाचनी होती है ये एक्चुअली में एक यक्षिणी या एक अप्सरा थी जिसको निकाल दिया गया बाद में, और ये फिर पिशाचनी बन गई, और अब जो है जो भी इसकी साधना करता है ये मारा जाता है, लेकिन उसके मारे जाने से पहले ये उसको लाखों करोड़ों का फायदा भी कराती है। ऐसे हालात क्रिएट हो जाते हैं कि इंसान मर भी जाता है। तो क्या है ये कर्ण पिशाचनी की कहानी? देखिए, कर्ण पिशाचनी की सिद्धि एग्जिस्ट करती है, जैसे कि आपने बताया कि उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। मैंने राहुल बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर लोगों के पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध तो हुई है, और ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है इनफैक्ट, लेकिन उसके बाद जो इनके परिणाम हुए हैं, इन लोगों के हाल हुए हैं आखिरी में, कोई कोमा में चला गया, कोई मर गया, कोई पागल सा हो गया, वो अभी भी इधर उधर भटकते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। मैंने अर्श कानपुर के आसपास ऐसा ही कोई केस सुना था जिसमें एक तांत्रिक बाबा थे जो रातों रात बड़े मशहूर हुए, बड़े छोटे समय में उन्होंने बहुत सारा पैसा, शोहरत, नाम कमाया। हाँ। और अचानक से कुछ टाइम बाद उन्हें समहाउ कोमा हो गया। ये बात है आज से करीब 10 या 12 साल पहले की, 2012 की, सन 2012 की। एक टिकट कलेक्टर हुआ करते थे कानपुर से, आई गेस 100 किलोमीटर भी नहीं होगा वो जगह। उनके घर में ऐसा सिनेरियो था कि वो, उनकी बीवी और उनके दो बच्चे थे, पर जो ये टिकट कलेक्टर थे आई गेस 30,000 से 35,000 की सैलरी में इतना ये खुश नहीं थे अपनी जॉब से, शायद ये जरूरतें पूरी कर नहीं पा रहे थे या कुछ ऐसा। एक बार की बात है, क्या हुआ कि ये ट्रेन में अपना कुछ सबका टिकट वगैरह चेक कर रहे होंगे, आखिरी में इन्होंने देखा कि एक तांत्रिक बाबा बैठे हुए। इस इंसान ने उन बाबा से टिकट के लिए पूछा और उन बाबा ने इन पर षटकर्म कर दिए। षटकर्म मतलब वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, ये सारे के सारे चीजें एक साथ उन पर कर दी। सोचिए, वो पूजा पाठ में यकीन नहीं करते थे, पर जिस दिन वो उन बाबा से मिले उसके बाद 10 दिन तक वो घर आए ही नहीं। बाबा ने उनसे कहा कि शायद वो उन्हें कुछ ऐसा देंगे जिससे उनके पास बहुत पैसे आने लगेंगे। ये इंसान घर आता है 10 दिन के बाद में और अपनी वाइफ को पैसे देता है कम से कम 75,000 रुपए के आसपास। 75,000 रुपए के आसपास। तो उनकी बीवी पूछती है कि ये कहाँ से आए, तो वो बहुत गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हें जो मिल रहा है तुम उसको रख लो, मेरे से सवाल जवाब मत करो। और करीब 15-20 दिन तक उन्होंने यही किया। वो डेली घर आते, कुछ ना कुछ पैसे लेकर आता, अपनी बीवी को देने के बाद वो अलग सोता, मतलब बीवी के साथ सो भी नहीं रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा उनकी बीवी को तब पता चला जब उन्होंने एक दिन उठकर अपने घर में जितनी भी मूर्तियां थी उन सबको दीवार की तरफ मुंह कर दिया। उसके बाद जो नाले का पानी होता है वो अपने कमरे की चौखट पर वो डाल देता था हमेशा। इसकी वाइफ को थोड़ा अजीब लगने लगा क्योंकि कभी इतना गंदे तरीके से उसे रहते हुए नहीं देखा था। जब इनकी वाइफ ने उनके कमरे के पास रात को करीब 2-2.5 बजे के आसपास जाकर सुना तो वहां से किसी औरत की आवाज आ रही थी इनके कमरे में से। ओके। ये बहुत अजीब था। हर दिन वो उठता, अपने दोनों कान में दोनों हाथ ऐसे लगा लेता चौखट पर, जब वो पानी डालता तो ऐसे वो बहुत जोर से चिल्लाता और वो सो जाता उसके बाद, और फिर वो उधर से औरत की आवाज आना और ये सारी चीजें। जब इसकी वाइफ ने ये सारी चीजें एक बाबा को दिखाई तब उन बाबा ने बताया कि तुम्हारे पति ने कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया हुआ है। अब कर्ण पिशाचनी को सिद्ध किया हुआ है ये उसके लिए मानना थोड़ा अजीब था, शायद वो जानती भी नहीं थी कि ये कर्ण पिशाचनी होता क्या है। एग्जैक्टली, आई मीन हस्बैंड तो पूजा पाठ में भी इंटरेस्ट नहीं थे। और उसके बाद एक महीने के बाद क्या हुआ कि
अचानक से 15-20 लोग आए और कहते हैं कि हमें जो भी इनका नाम था उनसे मिलना है और अपने भविष्य के बारे में जानना है। इनकी बीवी थोड़ी सी शौक हो गई पर इनके पति ने बोला कि आने दो। उसमें से एक इंसान ने अपनी अपनी प्रॉब्लम रखी, जो भी उनकी प्रॉब्लम होगी। इनके पति ने आंख बंद करा और करीब 5 मिनट के बाद में उस इंसान की हर एक बात बता दी और ये भी बता दिया कि उसकी बीवी मरने वाली है। किसी की मौत बता देना सोचो कितनी बड़ी चीज हो जाती है राहुल। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एक बहुत बड़े बाबा बन गए। इवन जितने भी कानपुर के आसपास के एरिया हैं वहां पर इनको बहुत जाना जाने लगा। इनसे लोग सलाह लेने लगे, बड़े बड़े जो सट्टे होते थे, रेस होती थी, वहां पर इनको बहुत ज्यादा प्राथमिकता देती जाती थी। अच्छा, इसके बाद हुआ ये कि एक रात को इनके बच्चे की तबीयत खराब हुई। सुबह उठकर इनकी वाइफ ने बोला कि आपका जो बेटा है वो बीमार है, दवा लेने चलना है। वो 2 कदम आगे आए लेकिन फिर रुक गए। अचानक से उनके कान में कुछ हुआ, मतलब वो अपना कान एक तरफ करके कुछ सुनने लगे, ऐसा जैसे उनके कान में कोई कुछ कह रहा हो। और ये होने के बाद उन्होंने कहा कि तेरा बेटा खत्म हो जाएगा। तेरा बेटा? हाँ, मतलब मेरा बेटा नहीं, हमारा बेटा नहीं, अपना बेटा भी नहीं कह रहे, वो सीधा ये कह रहे थे कि तेरा बेटा खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके इनको पैसे का लालच बहुत आ गया और अचानक से इन्होंने एक सवाल की कीमत राहुल 50,000 रुपए रखी। ओके, आप 50,000 रुपए दीजिए और तब सवाल पूछिए। तब आप अपना सवाल पूछ सकते हो, नहीं तो नहीं पूछ सकते हो। अब लोग जाते अपना 50,000 रुपए दे के सवाल पूछते और वो सवाल का जवाब देते, हर एक चीज हो जाता और वहां से सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। क्या अजीब? उस दिन लोगों ने सवाल पूछा तो लेकिन ये जवाब दे नहीं पाए। और अचानक से क्या हुआ कि सारे लोग कहने लगे कि ये बाबा तो ढोंगी है, इतने टाइम से हमको झूठ बोल रहा है। वहां पर एक दो जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने ये चीजें अखबार में भी निकाल दी। पर दिक्कत एक ये हो गई कि इन सबके बीच में जब सारे लोग जाने लगे तो ये इंसान इतना ज्यादा अपने आप को प्राउड ही समझने लगा था, इतना ज्यादा ये घमंडी हो गया था कि इसने कहा कि हाँ हाँ जाओ, मुझे तुम्हारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है, मेरे पास तो सिद्धि है। इसने बोल दिया, इसने ऐसा बोला। द मोमेंट इसने ऐसा बोला है, इसके बाद उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने शुरू हो गए। 3 दिन के बाद उसके बच्चे की मौत हो गई। शायद सुनने में बहुत इजी लग रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट में अपने कह चुका हूं कि मौत हो गई, लेकिन इनके बच्चे की मौत बहुत अजीबोगरीब तरीके से हुई। आज भी डर लगता है वो चीज सोच कर, क्योंकि जब मैंने इनकी वाइफ से पूछा था कि मौत कैसे हुई तो इनकी वाइफ ने बताया कि उनका बच्चा रात को करीब 1:30 बजे के आसपास उठ के सीधा नीचे एक गैराज था इनका, उसमें गया और बाइक्स में जो ऑयल डलता है ना इंजन को सही करने के लिए, मोबाइल जो होता है मोबाइल ऑयल, एग्जैक्टली, उस बच्चे ने उस मोबाइल को अपने कान में डाल दिया था और वो तब तक डाला था जब तक उसके पूरे शरीर में मोबाइल की मात्रा ज्यादा ना हो गई। मतलब वो डालता रहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही आया। और इसके बाद उसने अपने कान को दीवार पर पटक पटक कर अपनी जान दे दी, मतलब उसका कान पूरी तरीके से खराब हो गया था। और जब मौत हो गई है, जरा सोचिए राहुल कि कोई बाप अपने बच्चे की मौत में ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। जब मौत हुई है तो सामने बॉडी पड़ी थी और ये इंसान जा नहीं रहा था। इस इंसान ने सारे लोगों से यही कहा है कि ले जाओ इस लाश को। ये उसका घमंड था या फिर कोई और वजह थी इसकी? नहीं, वो रोता जा रहा था और वो यही कह रहा था कि ले जाओ इस लाश को, हमें जरूरत नहीं है इस लाश की। वो बहुत रो रहा था लेकिन उसको कोई समझ नहीं पा रहा था। उनकी वाइफ ने बताया कि वो उनको छोड़कर चली गई। अब वो घर में अकेले रहने लगे, कम से कम 1 महीना हो गया और उस घर से रात को बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती थी, चिल्लाने की, कांच के टूटने की। और रात को क्या होता था राहुल कि वो इंसान छत पर जाकर खूब हंसता था, ऐसा लोगों ने बताया आसपास के। खैर, जब इनकी वाइफ को बहुत ज्यादा परेशानी हुई तो ये चुपके से देखने गई उस घर में, तो इनकी वाइफ ने जब देखा तो वो बेचारा बहुत परेशान अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था चाकू से, लेकिन वो चाकू मार रहा था पेट पे और पेट पे आकर रुक जा रहा था वो चाकू। मतलब वो इतना परेशान था कि वो खुद को हर्ट भी नहीं कर पा रहा था किसी भी तरीके से। वो अपने कान को इतनी जोर से पकड़ता था कि उसमें से खून निकलने लगता था लगातार। उसकी वाइफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब वो देख तो रही है लेकिन हो क्यों रहा है। फिर वो उन्हीं बाबा के पास वापस गई जिन्होंने बताया था कि इनको कर्ण पिशाचिनी सिद्ध है। जब उन्होंने डिटेल में इन सब के बारे में पूछा तो बाबा ने बोला कि आज रात तुझे एक सपना आएगा और उस सपने में तुझे सब पता चल जाएगा। फिर इनकी वाइफ ने जो मुझे बताया वो दिल दहला देने वाला था, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी साधना की प्रोसेस उन्होंने पूरा अपने मुंह से बताया, जबकि उनकी वाइफ कोई साधक नहीं है राहुल।
पर राहुल उन्होंने जो प्रोसेस बताया है वो हूबहू कर्ण पिशाचिनी का प्रोसेस था, विद मंत्र उन्होंने बताया। आपको याद है जब उनको बाबा मिले थे ट्रेन में? और जी 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 जी, तो उन बाबा ने इनसे ये कहा था कि मुझे सफर करा दो और मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। तो वो जो बाबा था उसने कहा कि यहां से 50 किलोमीटर दूर मैं रहता हूं, वहां तुझे मेरे साथ चलना होगा, 10 दिन तक मेरे साथ रुकना होगा, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। जाने के बाद उस इंसान ने जो देखा वो बहुत खतरनाक था। साधना की जो बातें थी ये इंसान लिखता भी था एक जगह पर, तो इनकी बीवी को ये चीज और ज्यादा प्रूव हो गई जब उन्हें अपने पति की डायरी मिली। ओके। और वो डायरी मैंने खुद भी अपने आंखों से देखी है राहुल। तो आपने पढ़ी हुई है? आज भी है वो डायरी राहुल, और वो इंसान हालांकि कोमा में है। तो हुआ ये था कि वो इंसान गया उन बाबा के साथ में। वो बाबा एक्चुअली कोई सिद्धि कर रहे थे, उनके पास ऑलरेडी कोई सिद्धि थी जिसे वो पास ऑन करना चाहते थे इस इंसान को। ये इंसान जब वहां गया तो उसने देखा कि एक सिंदूर का बड़ा सा घेरा बना हुआ था जिसमें सिंदूर पड़ा हुआ था, और उस सिंदूर के बीचों बीच में एक कपाल था, एक हेड था, स्केलेटन का जो हेड होता है, स्कल होता है, वो था। और उस स्कल में मुंह में एक दिया जल रहा था। ओके। मुंह के अंदर एक दिया जल रहा था। इट इज बिलीव दैट कि ये कर्ण पिशाचिनी की साधना में प्रमुख होता है, मेन होता है। वो इंसान उसी घेरे में बैठ गया बाबा के साथ। बाबा ने अपना प्रोसेस शुरू किया। उस इंसान को अचानक से ऐसा लगने लगा कि उसका जो मूलाधार चक्र है, जो नाभि के 2 अंगुल नीचे होता है, वहां पर बहुत तेज पेन हुआ। ओके। मंत्रोच्चारण के दौरान उन बाबा ने कहा कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी आंखें मत खोलना। इस इंसान ने वही काम करा क्योंकि इसे पैसे चाहिए थे। 10 दिन तक करीबन ये सिद्धि चली और 10 दिन तक उस इंसान ने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया। इतना ज्यादा पैसे को लेकर लालची हो गया था या फिर सम्मोहन में आ गया था बाबा के, वो नहीं पता। जैसा कि उस इंसान ने डायरी में लिखा कि 5वें दिन उसे ऐसा लगने लगा कि कोई औरत अपने दोनों पैर उसके सर पर रख रही है। मतलब पहले उस औरत के पैर उसकी पीठ पर महसूस हो रहे थे, फिर उसके बाद उसके कंधे पर महसूस हो रहे थे, और फिर उसके बाद उसके सर पे। तो ऐसा उसको लगातार लग रहा था। 6ठे दिन उसको ऐसा लगा कि कोई औरत जो है शादी का जोड़ा पहनकर उसके सामने बैठी हुई है। और ऐसे विजन्स आ रहे थे उसको। हाँ, ऐसे विजन्स आ रहे थे। उसको लगा कि शादी का जोड़ा पहनकर उसके सामने बैठी हुई है और उसके शरीर पर सांसें उसको महसूस हो रही हैं। वो इतनी जोर जोर से सांसें ले रही थी। धीरे धीरे उसकी सांसें गुर्राहट में बदली और अचानक से वो आवाज गायब हो गई। फिर उसको लगा कि कोई उसके कान में लगातार अपने नाखून से स्क्रैच कर रहा है, सिर्फ कान में, उसके पूरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये साधना का प्रोसेस हो रहा था पूरा पूरा। और ये सब होने के बाद फिर उसको पता चला कि कर्ण पिशाचिनी उसको सिद्ध हुई है करीबन 10वें दिन। अर्श, ये जब भी इस किस्म की बातें होती हैं, एक सवाल मेरे जहन में आता है ये कि इंसान को क्या ऐसा नहीं लगता इनिशियली कि ये हो सकता है शायद जस्ट मेरी हेलुसिनेशन हो? उस इंसान ने जैसा लिखा वैसा ही हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कहते हैं जिनके पास ये सिद्ध थी। उस इंसान ने बताया कि उसके सामने एक प्लेट में गर्भवती महिलाओं की जो अस्थियां होती हैं, उनसे जो हड्डियां बनती हैं, उसकी एक माला थी। विच इज वेरी ट्रू। जो मैंने पढ़ा था कर्ण पिशाचिनी के बारे में, जो मैं जानता हूँ वो यही है कि जब कर्ण पिशाचिनी आपके सामने आती है तो आपको गर्भवती महिलाओं की जो माला होती है उसे ऑफर करनी पड़ती है, एक तरीके से शादी करनी पड़ती है, वरमाला की तरह। ओके। और हुआ ये कि मोस्टली जैसे मैंने आपको बताया कि सिद्धियों को अलग अलग तरीके से अपनाया जाता है, किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, एंटिटी का आवाहन करते हैं, तो आप उसे किसी ना किसी रूप में पूजते हैं। जैसे गुरु इसने पत्नी के रूप में पूज लिया था, और यहां पर चीजें बहुत बेकार हो गई राहुल। इसके बाद उन्होंने लिखा कि वो कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आई, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, कुछ चेहरा बिल्कुल काला सा था, बस उसका पूरा शरीर नीला था, ऐसा उस डायरी में मेंशन है। और इसके साथ ही साथ जब उसने वो हड्डियों की माला उसे पहनाई है, उसे ऐसा लगा है कि कोई औरत उसके बगल में बैठी है, तो उसके कान से बहुत जोर से खून निकला है, और खून निकलने के बाद जैसे कोई खुसफुसाता है ना कान में, जी वैसी आवाज आने लगी है उसको। अक्सर अर्श, हमने जो हॉरर फिल्म्स होती हैं उसमें कई बार ये ना ऐसा इफेक्ट सुना है कि विस्पर्स डाले जाते हैं, कई बार बच्चों की फुसफुसाने की आवाजें डाली जाती हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो फिनोमेना है, कहीं शायद ये क्रॉस कल्चर्ड भी है, कहीं ना कहीं है। और कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी देवी है जो अगर
पत्नी के रूप में सिद्ध हो गए ना, तो शायद तुम कुछ नहीं कर सकते। और वो गृहस्थ लोगों के साथ ही ऐसा होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब कर्ण पिशाचनी आती है तो वो तीन वचन लेती है अलग अलग। पहला कि तुम कभी भी उसे अनसुना नहीं करोगे, दूसरा जब वो बुलाएगी तब तुम जाओगे, तीसरा कि किसी को भी उसके बारे में नहीं बताओगे। ये तीन वचन होते हैं। जब वो बुलाओगे तो तुम जाओगे का मतलब ये है कि तुम उसे पत्नी की तरह संतुष्ट करोगे और किसी भी औरत को नहीं छुओगे। और यही रीजन था कि वो अपनी पत्नी से अलग रहता था, अपनी पत्नी के साथ सोता नहीं था। जब ये आप संतुष्ट करने की बात करते हैं अर्श, तो डू यू ऑल्सो मीन फिजिकली? फिजिकली, इमोशनली, हर एक चीज, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। क्योंकि फिर वो जो शक्ति होती है वो तुम्हें अपना पति मान लेती है और तुम्हारे साथ रहती है। सवाल यहाँ पे ये अर्श, तो मतलब ये जो एंटिटी है ये एक फिजिकल फॉर्म में भी आपके सामने आती है? इन फिजिकैलिटी आती है, लेकिन किसी को दिखती नहीं है। ऐसा कहा जाता है ये सिर्फ और सिर्फ जो साधना कर रहा है इंसान उसको ही दिखती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो टिकट कलेक्टर थे, इनके कई सारे मुझे दोस्तों ने भी बताया है कि ये स्टेशन पर बड़ी अजीब सी हरकतें करते थे, इधर उधर बात करने लगते थे, अचानक से परेशान हो जाते थे। जैसा मैंने आपको आखिरी इंसिडेंट में बताया था, ये एक जगह बैठे थे जहां पर ये बता नहीं पाए थे किसी के बारे में। तो दरअसल इन्होंने कर्ण पिशाचनी को अनसुना कर दिया था। जब वो भीड़ बैठी थी सामने, जब वो भीड़ बैठी थी, जब वो पूछ रही थी कि मतलब क्या है, मेरे बारे में बताइए और ऐसा ऐसा करके, तो उन्होंने शायद उसको अनसुना कर दिया, इसलिए वो उनके पास से कुछ देर के लिए चली गई और वो लोगों को कुछ नहीं बता पाए, जिससे वो ढोंगी साबित हुए। और उसके बाद उनके बच्चे का मरना, उनके घर में कई सारी अनहोनी होना, ये सब का सब कर्ण पिशाचनी का ही हाथ था इन सब में, ऐसा 100% लोगों का मानना है। अर्श, मैंने सुना है कि कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कर्ण पिशाचनी की एज अ देवी भी पूजा की जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक तामसिक देवी हैं। देवी मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जब इनको स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया था तो इनको इसके साथ साथ एक वरदान भी मिला था कि ये देवी के गढ़ों में आएंगी, इनकी गिनती भी देवियों में होगी, और तब से इनकी गिनती देवियों में ही होती है। कई सारे लोग हैं जो इनको अलग अलग तरह से साधने की कोशिश करते हैं और अंत में उनका हाल बहुत बुरा होता है। लेट मी टेल यू राहुल, ये जो टिकट कलेक्टर थे, ये सारी चीजें होने के बाद जब इनकी बीवी को पूरा अंदाजा हो गया, सब चीजें पता चल गई, इनकी बीवी ने बहुत कोशिश करी। जब मेरी उनसे बात होती, आज भी मेरी बात होती है उनसे, तो वो बताती हैं कि वो अपनी पूरी कोशिश करती रही लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। तब आखिरी में जाकर उनको किसी बहुत बड़े योगी, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष ने बताया कि भगवान नरसिम्हा से कर्ण पिशाचनी बहुत डरती हैं। ओके, नरसिम्हा भगवान सबको पता ही है। जी जी बिल्कुल, विष्णु जी का अवतार है। इनकी वाइफ ने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बहुत कुछ ट्राई करा, लेकिन उनके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तब किसी ने ये बताया कि भगवान नरसिम्हा की घर में स्थापना करनी पड़ेगी, जिस घर में कर्ण पिशाचनी है। इनकी वाइफ पूरा सामान वगैरह लेके, सब कुछ पूरी सिक्योरिटी के साथ गईं। बहुत ज्यादा अंदर इनको दिक्कतें हुई, ये बताने लगी कि इनको अपने बच्चे की आत्मा दिखने लगी, इनके पति से इनकी भेंट नहीं हो पाती थी और बहुत डरी डरी सी रहती थी। तब इन्होंने भगवान नरसिम्हा की स्थापना करी दो दिन के बाद वहां पे। नरसिम्हा भगवान की स्थापना करने के बाद दूसरा जो चरण होता है वो होता है भोलेनाथ के रुद्राक्ष को उस इंसान के कान में लगाना जिस इंसान को कर्ण पिशाचनी सिद्ध है। Okay. अब ये अपने पति को उस पूरे घर में जाती तो, लेकिन वो कहीं मिलते नहीं। अंत में वो छत पर मिले इनको बैठे हुए, और उनके कान से खून बहुत निकल रहा था, और वो बार बार यही कह रहे थे कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उनके कान में बस किसी लड़की के खुसफुसाने की आवाज आ रही है। शायद इनकी वाइफ जो थी बहुत ज्यादा बिलीवर थी माँ काली की, नरसिम्हा भगवान की, तो ये गई और शायद इनको टच भी नहीं कर पाई फिर कोई एंटिटी, और इन्होंने उस इंसान के कान में वो रुद्राक्ष लगा दिया। और उसके बाद से ही वो इंसान थोड़ा बहुत ठीक हुआ। ओके, मतलब और आखिरी कोशिश जो थी इनकी जी, वो थी कर्ण पिशाचनी को पूरी तरीके से खत्म करने की। और इसका जो प्रोसेस था थोड़ा खतरनाक था। नरसिम्हा भगवान की जो आरती होती है उसकी जो अग्नि होती है, उस अग्नि को उस इंसान के मुंह में डालना होता है। ओके, ताकि कर्ण पिशाचनी किसी भी तरीके से एंटर ना हो पाए। इन्होंने ऐसा ही किया, उनकी जीभ जली, थोड़ा दिक्कत हुई, वो बेहोश हो गए और अगले दिन से उठे नहीं राहुल, वो कोमा में चले गए। और आज भी वो इंसान कोमा में है, आज भी वो कानपुर से उतने ही किलोमीटर दूर रहता है, उनकी वाइफ भी वहीं पे रहती हैं, सेम घर में रहती हैं, लेकिन तब से आज तक कभी भी कर्ण पिशाचनी का कोई भी मामला सामने आया नहीं है। मैं जब 2015 के आसपास गया था उनसे बात करने के लिए,
बहुत दुख में उन्होंने ये सारी चीजें बताई और उन्होंने इस शर्त पे ये बताया कि मैं लोगों को ये अवेयर कर दूं कि नरसिम्हा भगवान एक ऐसे भगवान है जिनसे ये एंटिटी डरती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे राहुल जो आज के वक्त में शायद इन सब चीजों से परेशान हो, तो एक हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से शायद वो समझ पाए कि कैसे अवेयर होना है और कैसे इन सब चीजों से दूर रहना है। तो ये हाल होता है किसी नॉर्मल इंसान का जब वो किसी के बहकावे में आकर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करता है।